राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अधीन एक केंद्रीय संस्थान है। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में NIMHR की परिकल्पना 2014 में की गई और स्थापना 2019 में। ये देश का 9वां राष्ट्रीय संस्थान है। संस्थान का व्यापक उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित पेशेवरों को विकसित करना, मानसिक स्वास्थ्य में अनुसंधान एवं विकास और नीति निर्धारण। मानसिक समस्या से ग्रसित होने की वजह से आई दिव्यांगता के लिए इस संस्थान में व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मतलब ऐसा लगता था कि बात चल रही है 24 घंटे, कुछ आवाजें आती थी कानों में, सीटी बजना, कुछ बोल रहा कोई, ऐसा लग रहा था, दूज नहीं चलता था पूरा शरीर। जब से इनका इलाज चला डॉक्टर साहब का, तब से बहुत फायदा है। मैंने तो ये समझ लीजिए कि मैं सुसाइड ही करने वाला था। ऐसे रोगियों को मनोचिकित्सीय सुविधाएं, मनोवैज्ञानिक सुविधाएं, विभिन्न तरह की थेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एवं कम्युनिटी बेस्ड सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस इंस्टीट्यूट में आने से मुझे तो काफ़ी फायदा लग रहा है, क्योंकि इसकी हालत ऐसी थी कि सब इससे बोलने से ही डरते थे। कोई व्यक्ति तो यूँ सोचते अगर इससे बोलेंगे तो ये गलत शब्द अपन पर नहीं बोल दे। उसके हुलिया भी बदल गया और काफ़ी बोलचाल का तरीका भी बदल गया। वर्तमान में संस्थान में एक सर्टिफिकेट कोर्स और 2 डिप्लोमा कोर्स प्रदान किए जा रहे हैं। कोर्स की जानकारी संस्थान की वेबसाइट या फिर RCI की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संस्थान जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहा है। पेशेंट्स किरण हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनके नेतृत्व में देश में पहली बार मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ पुनर्वास पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए www.nimhr.ac.in पर संपर्क करें।